हेलो चिल्ड्रेन माय नेम इज़ प्रियंका सिंह ओके एंड आई एम योर मेंटर टुडे विल स्टडी अबाउट द सोलर सिस्टम ओके आर टुडे टॉपिक इज द सोलर सिस्टम सो लेट्स किक स्टार्ट सी टिक थ्री थिंग्स दैट यू सी इन द स्काई ओके व्हाट आर द थ्री थ्री थिंग्स दैट यू सी इन द स्काई ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो आप स्काई में देखते हैं रिवर होम क्लाउड स्नो और मून वॉट यू सी इन द स्काई यू हैव टू टेक ऑन दैट ओके सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टार्स ओके वी सी स्टार्स ट्विंकलिंग इन द नाइट स्काई द स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज दे आर बिग बॉल ऑफ गैसेस स्टार्स क्या होते हैं जो रात को टिमटिमाते हैं ट्विंकल करते हैं ओके okay? और स्टार्स क्या होते हैं वो ह्यूज हेवनली बॉडी होते हैं मतलब बहुत भारी और बहुत बड़ी एक हेवनली बॉडीज होते हैं ठीक है, okay? है दे आर बिग बॉल्स ऑफ गैसेस वो बॉल्स होती हैं, गैसेस की ओके दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट उनकी खुद की हीट और लाइट होती है है ना हम लोग देखते हैं ना कि स्टार से रात को कितनी रोशनी हो जाती है जितने ज्यादा स्टार्स होते हैं उतनी ज्यादा लाइट होती है ओके द ब्राइटेस्ट स्टार दैट वी सी इन द नाइट स्काई इज द सीरियस जो ब्राइटेस्ट स्टार होता है हम नाइट स्काई में देखते हैं वो सीरियस है ओके सम स्टार्स अपीयर टू फॉर्म पैटर्न्स ओके जो कुछ स्टार्स होते हैं वो क्या बन क्या बनाते हैं एक पैटर्न बनाते हैं ओके okay? एक पैटर्न बनाते हैं लाइक वी सी लाइक शेप्स जैसे कुछ भी पैटर्न ट्रायंगल हो गया स्क्वायर हो गया रेक्टेंगल हो गया एंड अदर पैटर्न्स दीज पैटर्न्स लुक लाइक फिगर्स ऑफ एनिमल्स पीपल और थिंग्स दैट पैटर्न कैन बी एनीथिंग ओके वो पैटर्न कुछ भी हो सकता है वो पैटर्न आपको एनिमल्स भी लग सकते हैं लोग भी लग सकते हैं और चीज़ें भी लग सकती हैं ठीक है such pattern are called constellations okay these pattern are called constellations okay one constellation that can be seen very clearly at night is the great bear okay that is also called ursa major okay now the next is the solar system the sun is the center of our solar system the sun hota hai वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर होता है द अर्थ एंड द सेवन अदर प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन जो एक सन होता है वो बीच में होता है और बाकी प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द होते हैं जैसे हम यहाँ देख सकते हैं द सन द सन इज अ बिग बॉल ऑफ बर्निंग हॉट गैसेस विच ग्लोज लाइक अ बॉर्न फायर सन क्या होता है सन एक बड़ी सी बॉल है बर्निंग बॉल मतलब जलती हुई और हो, जो हॉट गैसेस से बनी हुई है और जो कैसे लगती है बॉनफायर की तरह ठीक है इट इज सोर्स ऑफ हीट विच सस्टेन्स लाइफ ऑन द अर्थ जो सन है वो क्या करती है एक हीट है जो लाइफ सस्टेन करती है अर्थ पे द एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी जो एनर्जी हमें सन से मिलती है हम उसे सोलर एनर्जी कहते हैं ओके द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ दैट इज वाई वी कैन सी इट क्लियरली हमें सन बहुत बड़ा और अच्छे से दिखता है, है ना वो क्यों है क्योंकि जो सन है वो क्लोजेस्ट टू द अर्थ है ओके okay? इट इज़ मेनी टाइम्स बिगर देन द अर्थ और वो कहीं ज़्यादा बड़ा है हमारी अर्थ से इट लुक्स स्मॉल बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ वो दिखता छोटा है क्यों क्योंकि वो हमारे अर्थ से बहुत दूर है लेकिन इट इज़ द ओनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम विच हैज़ इट्स ओन लाइट प्लानिट हैो लाइट ऑफ देयर ओन दे शाइन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ द सन किसी भी प्लैनेट की अपनी कोई लाइट नहीं होती वो सन की लाइट से ही शाइन करते हैं द नेक्स्ट इज द प्लानिट्स एट प्लानिट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर हमारे सोलर सिस्टम में हमारे यूनिवर्स में एट प्लान हैं ठीक है और अब आपको उनकी दूरी बताई जाएगी सन से ओके मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटन यूरेनस एंड नेपटचून ओके द फर्स्ट फोर प्लैनेट्स आर कॉल्ड टेरिस्ट्रियल प्लैनेट्स जो फर्स्ट फोर प्लैनेट्स हैं जो सन के नियर हैं उन्हें टेरिस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है ओके okay?

ओके इट इज मच क्लोजर टू आर्स देन द सन इट इज ऑल्सो मच स्मॉलर देन द सन बट द सन एंड द मूर मून अपीयर टू आस ऑफ द सेम साइज जो मून है वो हम लोगों से ज़्यादा नियर है ओके इट इज लाइक आर नेबर इट इज मच क्लोजर टू आर्स देन द सन वो सन से भी ज़्यादा क्लोजर है हमसे ओके

ओके okay? और वो हर 27.3 डेज में अर्थ के अराउंड घूमता है ओके द मून हैज़ नो लाइट्स ऑफ इट सोन दैट मीन्स कि मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती इट रिफ्लेक्ट द लाइट विच इट रिसीव फ्रॉम द सन वो वही लाइट रिफ्लेक्ट करता है जो उसे सन से रिसीव होती है रिमेंबर द मून इज एयरलेस मून में कोई एयर नहीं होती वाटर नहीं होती कोई लाइफ नहीं होती ओके द नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द अर्थ अर्थ ऑन विच वी आर लिविंग द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट नोज टू हैव लाइफ ऑन इट अर्थ हमारे यूनिवर्स में हमारे सोलर सिस्टम में ओनली प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है It was formed about 9.5 billion years ago. The Earth is the only planet in our solar system that has large amount of liquid water. And Earth is also the only planet just per huge amount of water. Hai. Hamara Earth 71% water se covered. Hai. Almost 71% of the Earth's surface is covered by. ओशंस ओके अबाउट सेवेंटी वन परसेंट ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाई ओशंस ओके बिकॉज ऑफ दिस इट इज समाइम्स कॉल्ड द ब्लू प्लानट हमारे अर्थ को ब्लू प्लानट भी कहा जाता है बिकॉज हमारे अर्थ का सेवेंटी वन परसेंट जो पार्ट है वो ओशंस से कवर है ओके द अर्थ सनलाइट फ्रॉम द सन लिक्विड वॉटर एंड अ ब्लैंकेट ऑफ एयर from atmosphere okay around it and its land masses have made life possible on the earth the next is the galaxies okay millions of stars of various sizes form galaxies millions of stars milke a galaxy form karte galaxy have different shapes and move in space गैलेक्सीज की डिफरेंट शेप्स होती हैं और वो स्पेस में मूव करते हैं आर सोलर सिस्टम इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द मिल्की वे हमारा जो सोलर सिस्टम है वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का विच इज अ ह्यूज़ कलेक्शन ऑफ स्टार लाइक द सन ओके वेन सी थ्रू टेलीस्कोप मिल्की वे गैलेक्सी लुक लाइक अ वाइट पैच ऑफ मिल्क अक्रॉस द नाइट स्काई अगर आप टेलीस्कोप से देखेंगे तो आपको मिल्की वे गैलेक्सी ऐसा लगेगा जैसे वो एक वाइट पैच है मिल्क का ओके अक्रॉस द नाइट स्काई दिस इज हाउ इट गॉट इट्स नेम यू विल

सेकेंड द स्टार्ज आर ह्यूज हेवनली बॉडीज दे आर बिग बॉल ऑफ गैसेज जो स्टार्स होते हैं वो बिग बॉल्स होती हैं गैसेस की ओके थर्ड द सन द प्लान दे आर मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स सच एज द कॉमिट्स एंड एस्ट्रॉय्स आर टूगेदर कॉल द सोलर सिस्टम और सन्स फैमिली ठीक है द प्लानट और जो मून होता है और जितनी भी अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक कॉमेट्स स्टेरॉइड्स सॉरी एस्टेरॉइड्स और ये सब क्या बनाते हैं मिलके सोलार सिस्टम और इनको हम सन की फैमिली भी कहते हैं ओके द नेक्स्ट वन इज सन इज अ बिग बॉल ऑफ बर्निंग हॉट गैसेस विच ग्लोज लाइक अ बॉन फायर ओके द नेक्स्ट वन इज एट द एट प्लानट In order of their increasing distance from the Sun, are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Okay, the next one is the Moon is our closest neighbor, it is much closer to us than the Sun. The last one is the Earth is the only planet known to have life on it. Okay, children, now it's time to say goodbye. Now we'll meet in the next chapter. Okay.